गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही पावन होने वाला है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो सब दूर होगी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा मौका, महाशिवरात्रि का पावन दिन आने वाला है। इसीलिए शिवलिंग पर आपको कुछ ऐसे द्रव्य चढ़ाने हैं, कुछ ऐसी चीज चढ़ानी है, विशेष करके मनोकामना बोलते हुए ये चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, ताकि महादेव आपके जीवन में आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो जल्द से जल्द परिपूर्ण कर दें। शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये महापर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को की जाएगी। तो महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना किस प्रकार से हमको करनी है? मैया पार्वती और देवों के देव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कैसे करेंगे? कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा? 4 प्रहर की पूजा कैसे होगी? किस प्रकार से आरंभ होगी? किस प्रकार से आपको पूजा विधि करनी है, शिव पूजा करनी है? किन शुभ योगों के साथ ये पावन पर्व आ रहा है? क्या क्या कार्य करने चाहिए? ऐसी सभी जानकारियां आपको वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगी। सबसे पहले जैसा हमने बताया आपको, इस साल जो है शिवरात्रि 1 मार्च 2022 के दिन मंगलवार के दिन है। साल 2022 की महाशिवरात्रि खास संयोगों के साथ आई है। महाशिवरात्रि पर धनिष्ठ नक्षत्र में परिध योग रहेगा, सद्विशा नक्षत्र रहेगा, इसके अलावा परिध योग और शिव योग रहेगा। कहते हैं कि ये योग शत्रुओं पर विजय दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि इन नक्षत्रों में की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। महाशिवरात्रि पर मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। इस दिन मंगल, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा रहेंगे। लगन में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति रहेगी। राहु वृश्चिक राशि में, जबकि केतु 10वें भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। यह ग्रहों की दुर्लभ स्थिति है और खास लाभकारी भी है। कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा जो है वो निशिता काल में अगर हम करते हैं तो सबसे उत्तम होता है। निशिता काल जो है वो रात्रि में 12:08 से 58 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि 2 तारीख हो जाएगी, लेकिन जो 50 का जो निशिता काल रहेगा यह पूजा करने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। कई लोग प्रहर की पूजा करते हैं, कई लोग प्रथम प्रहर की पूजा करते हैं, कई लोग 4 प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो प्रथम प्रहर की ही पूजा उनको कर लेनी चाहिए। जो लोग भी 4 प्रहर की पूजा करते हैं, भगवान शिव का 4 बार उन्हें अभिषेक करना चाहिए और साथ ही साथ विशेषकर अभिषेक के साथ कुछ न कुछ चीजें अर्पित करना चाहिए। 1 मार्च को ये जो शिवरात्रि है ये सुबह 9:16 से शुरू होकर के बुधवार के दिन 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहेगी। रात्रि की पूजा शाम को 6:22 से शुरू होकर के रात में 12:33 तक रहेगी। आइए जानते हैं 4 प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला प्रहर की जो पूजा है वो 1 मार्च 2022 को शाम को 6:21 से रात्रि में 9:27 तक रहेगी। दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो 1 मार्च को ही रात्रि में 9:57 से रात्रि में 12:33 तक रहेगी। तीसरे प्रहर की जो पूजा है वो 2 मार्च को रात में 12:33 से 3:39 तक रहेगी। और चौथे प्रहर की जो पूजा है वो 2 मार्च को सुबह 3:39 से लेकर के 6:45 तक रहेगी। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 2 मार्च को रहेगा बुधवार के दिन 6:46 से। ये चारों प्रहर के बाद पूजा के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करें क्योंकि इस दिन महादेव साक्षात लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन की अहम बहुत ही विशेषकारी पूजा आराधना रात्रि काल में करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए कुछ खास चीजों की महत्वता होती है और वो अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो उससे हमारी मनोकामना परिपूर्ण होती है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग द्रव्यों से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, जो कि आपकी मनोकामनाओं को जल्द से जल्द परिपूर्ण कर देगा। भगवान का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए, दूध से करना चाहिए, भेल, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल, धतूरे के फूल जो आते हैं अगर मिल जाए, और साथ ही साथ भगवान शिव को जो सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है तो सफ़ेद वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं, गमछा आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद होना चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद मिठाई आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान को हो सके तो आज के दिन 5 फलों का भोग लगाना चाहिए, अगर नहीं हो सके तो कम से कम 2 फलों का भोग तो आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन मीठा पान भगवान भोलेनाथ को आपको अर्पित करना चाहिए। इस दिन भगवान को आपको इत्र लगाना चाहिए और श्रृंगार आप कर सके तो आपको करना चाहिए। इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग का अगर आप श्रृंगार करते हैं तो उसका अत्यधिक महत्व होता है। और साथ ही साथ अगर सफ़ेद फूल की पत्तियों से आप भगवान का श्रृंगार करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, तो आपके जीवन की तमाम
समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएगी। आप भस्म अर्पित कर सकते हैं, गुलाल अर्पित कर सकते हैं और साथ ही साथ सफ़ेद चंदन भी आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देखिए, पंचामृत अगर आप अर्पित करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो उससे आपके कष्टों का निवारण होता है। गाय के दूध से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो मनुष्य के जीवन में यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होने के साथ साथ घर में खुशियाँ आती हैं और घर में हर प्रकार का जो कलह रहता है, क्लेश रहता है, वो सब दूर हो जाता है। गंगा जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को गंगा जल परम प्रिय है, इसी कारण गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। अगर आप शिवलिंग की पूजा गंगा जल से करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी और कभी भी किसी भी चीज़ में बाधाएं नहीं आएगी। अगर बाधाएं आ भी रही हैं तो वो सब दूर हो जाएगी। गाय के शुद्ध देसी घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त होता है और वंश में वृद्धि भी होती है। तो भगवान शिव के शिवलिंग का घी से अभिषेक भी करना चाहिए। भले थोड़ा सा घी डालें, लेकिन विधि पूर्वक आपको भगवान को घी अर्पित करना चाहिए। शहद से अगर आप अभिषेक करते हैं तो इस प्रकार से आपके रोगों का निवारण हो जाता है। यदि आपको कोई रोग है जो उत्पन्न हो रहा है या रोग से आप पीड़ित हैं तो आपको आज के दिन शहद से अभिषेक जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आपको चार प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। चारों प्रहर में अगर हो सके तो पहले प्रहर में गंगा जल से अभिषेक करें, दूसरे प्रहर में आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए, तीसरे प्रहर में आपको दही से अभिषेक करना चाहिए और अंतिम प्रहर में आपको शहद से और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, अर्थात आपको धरती पर धन वैभव की प्राप्ति होगी और अंत में शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में स्थान प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का आप पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं, साथ ही साथ शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। देखिए, कई शुभ संयोगों के साथ ये महाशिवरात्रि आई है। ध्यान रखें, ये मंगलवार के दिन है, इसीलिए आज के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। इसीलिए आज के दिन हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में आपको चौमुखी दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान हनुमान से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो भी आप उनके समक्ष रख सकते हैं। निश्चित ही शिव जी की कृपा के साथ हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी और हर इच्छाएं जो हैं वो सिद्ध होगी। और आपके नगर में जो भी भगवान शिव का जो प्राचीन मंदिर है, उनका आज के दिन आपको दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। भले क्रिया आप किसी और मंदिर में करें, लेकिन अगर प्राचीन मंदिर भगवान शिव का है तो वहाँ पर आपको जा करके उनका दर्शन ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए आपको महाशिवरात्रि पर बड़े आसानी से ये क्रिया करनी है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, प्रणाम।